रानू मंडल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रानू मंडल के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हाँ ना, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वो, है ना। हिमेश रेशमिया जी के साथ काम करती है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। सलमान खान के साथ मिलती है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग आप उस पर जो लोग गंदी बातें कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह से उसे छेड़ने की बात हो रही है, ऐसा ही होना चाहिए रानू मंडल के साथ। ऐसा ही आपको लगता है ना? थोड़ी सी शर्म करो यार, क्योंकि जिस तरह से आज मीम्स देखता हूँ मैं हर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ जो रानू मंडल जी के ऊपर ये कर रहे हैं, जो गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं। क्या इतनी घटिया चीज़ें की जा रही है यार, वो पोर्न स्टार के शरीर पे उनका चेहरा लगाया जा रहा है, उनके साथ ऐसी घटिया चीज़ें की जा रही है, गंदी बातें की जा रही है उनके बारे में। थोड़ी तो भी शर्म करो यार, अपने माँ बहन के साथ आप ऐसा ही करोगे क्या? अपनी माँ बहन जब अगर कोई फेमस हो जाएगी तो क्या आप भी उसी के साथ ऐसा ही करोगे? हाँ बताइए ना। क्योंकि एक लेडी जब उनकी जो स्थिति है पहले किस तरह से थी, उन्हें नहीं पता है कि सेलिब्रिटी होने के बाद क्या करना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है उन्हें। एक स्टेशन पे भीख मांगने वाली औरत, एक अपना गाना गा के गुजारा करने वाली औरत, अगर थोड़ी कुछ उसे अच्छी सी ये मिला है, अच्छा काम मिला है, एक स्टेज मिला, परफॉर्म करने का मौका मिला है, एक अच्छे से ये हुआ है, नहीं निकालने दिया सेल्फी तो क्या हुआ? किसी मोहतरमा को उन्होंने सेल्फी नहीं निकालने दिया तो उसके ऊपर से इतना बड़ी महाभारत आपने खड़ी कर दी है रानू मंडल जी के। मैं कोई उन वो कोई मेरी सगी नहीं है, ना मैं कोई उनका रिश्तेदार हूँ, लेकिन जो देख रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। गलत लगती है तो मत देखिए वीडियो, स्किप कर दीजिए वीडियो को, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जिनको गुस्सा आता है ना तो बंद कर दीजिए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन जिस तरह से आपने जिस बातें की है, जिस तरह से रानू मंडल जी के ऊपर बातें हो रही है, बहुत ही शर्मनाक, बेहया और घटिया चीज़ों की बातें की जा रही है। उन्हें नहीं पता है किस तरह से रहना चाहिए, फिर भी आप वही कर रहे हो कि अलग अलग तरह से बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं उन पर, बहुत सारे उनकी नकल उतारी जा रही है, ये की जा रही है। जब उनका एक पहला गाना आया था तो आप लोगों ने ही उन्हें सर पे उठाया, एक स्टार बनाया, आप ही लोगों ने स्टार बनाया, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जब एक लेडी एक ये होता है और वो एक नई सेल्फी निकालने आप उनके साथ फोटो निकालना नहीं दिया तो इतनी बड़ी महाभारत आपने उसके ऊपर खड़ी कर दी, क्या है यार? अभी मेकअप के बारे में एक उनका फोटो वायरल हुआ, इसमें एक मेकअप किया है उन्होंने, माना है वो ओवर मेकअप है, उस पर काफ़ी ओवर मेकअप हो चुका है, वो नहीं उन्हें सूट हो रहा है। किस तरह से कपड़े पहनना है, क्या करना है, कितना मेकअप करना चाहिए, किस हद तक मेकअप करना चाहिए, उन्हें नहीं पता है, माना है। ज़िंदगी में पहली बार मेकअप किया होगा इतना हेवी मेकअप, उन्हें कि मेकअप क्या होता है ये भी पता नहीं है, तो आप उस मेकअप के ऊपर भी बातें कर रहे हैं यार, क्या है? आपके घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं क्या? क्या आपकी माँ बहन जब मेकअप करने लगी तो क्या डायरेक्टली परफेक्ट ही मेकअप हुआ था? उनका भी कभी ना कभी ओवर मेकअप तो हुआ ही होगा ना, तो फिर क्या ज़रूरत है रानू मंडल के ऊपर इतनी बड़ी बातें करने की? हाँ मैं तो कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए रानू मंडल के साथ, क्योंकि इस देश में तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस देश में इंसानियत को, इंसान को आगे बढ़ाने वाले कम और खींचने वाले ज़्यादा लोग हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे नपुंसक बने हैं जो बहुत सारे लोग इस तरह से जो खड़ा होना चाहता है तो उनके ऊपर इस तरह से ट्वीट किए जाते हैं, इस तरह से घटिया बातें की जाती है, ताकि वो जो इंसान है वो कभी खड़ा ही ना हो सके, फिर से वापस जा सके। इतना भी मत बुरा करो यार, अगर गलत लगता है तो माफ़ कीजिएगा, और ज़्यादा ही गलत लगता है तो वीडियो मत देखिएगा, निकल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं, कहीं और जाकर वीडियो देख लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।